हाय गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, ओके, अट्रैक्शन क्यों महसूस करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये पिंक डायनासोर, ओके, सेकेंड है ये टर्टल, ओके, और थर्ड है ये येलो डायनासोर, ओके। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। गाइस जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ, गाइस के पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी, ओके। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी गाइस, ओके। और ये सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए, सभी इसे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ किए हैं पिंक डायनासोर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। पहले जिस किसी ने भी चूज़ किया है डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोग उनकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। इतने सारे कार्ड में नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन द हर्मिट, ओके, द हाई प्रिस्टेस, ओके, फोर ऑफ कप, ओके, जस्टिस, ओके, ये कार्ड में लूंगी गाइस, नाइन ऑफ कप, ये कार्ड में लूंगी गाइस, सिक्स ऑफ वांड्स, ऐसे ही आ रहे, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द हेरोफेंट, ओके। चलिए यहाँ से लिखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किए लोग उनकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, द वर्ल्ड, ओके, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, और लास्ट कार्ड हमारे पास से एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस अटैचमेंट, ओके, जस्ट वन मिनट गाइस, ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके। तो गाइस लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ आप देख सकते हो गाइस कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे गाइस, आप छोटी उम्र में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, ओके, और आपके बात करने का तरीका, आपके बोलने चालने का तरीका, लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका, तो ये सब कुछ आपकी एक अलग सूझबूझ दिखाता है गाइस, एक अलग समझदारी दिखाता है, ओके। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप छोटी उम्र में भी मैच्योर होंगे, ओके। तो गाइस इस ये आपकी जो मैच्योरिटी है लोगों को बहुत ही पसंद आती है, ओके, इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ओके। कभी कभी कुछ लोग छोटी उम्र में मैच्योर होते हैं गाइस, ओके। मैच्योरिटी का लेवल उम्र से नहीं है गाइस, ओके। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि बड़ी उम्र का इंसान भी मैच्योर नहीं होता है, ओके, आपने देखा होगा। ये अपने अपने संस्कार है गाइस, ओके, ये सब कुछ संस्कार के ऊपर निर्भर है कि कौन इंसान किस तरह से बिहेव करता है, ओके।
तो आप छोटी उम्र में भी मैच्योर हो और आपका जो सूझबूझ से, समझदारी से, मैच्योरिटी से लोगों के साथ बात करने का तरीका है वो लोगों को दिखता है, इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं गाइस। और आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, वो मैंने पहले ही कहा। आपका तैयार होने का, पहनने का जो ढंग है, ड्रेसअप होने का ढंग है, जो लोगों से बहुत ही ज़्यादा विपरीत है, अलग है, डिफरेंट है, ओके। इस वजह से लोगों को बहुत लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते गाइस, ओके, आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी जो एक स्टाइल है, आपकी जो एक, आप जब ड्रेसअप होती हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा चुलबुले और कभी कभी मासूम भी लगती हो, और कभी कभी मैच्योर भी लगती हो, और कभी कभी गुस्से वाले भी लगती हो। आपके अट्रैक्ट एक चेहरे के हाव भाव में, आपकी एक पर्सनालिटी में अलग अलग आपके भाव बदलते रहते हैं, तो लोग ये देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से गाइस लोगों को आपके साथ रहना भी पसंद होता है, ओके, पसंद आता है गाइस, क्योंकि आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो लोगों को पसंद आती है, ओके। और यहाँ हमारे पास कार्ड आए हेरोफेंट और हाई प्रेस्टेस, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो, आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा घूमते फिरते होंगे। और यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है गाइस कि आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप ट्रैवलिंग के ज़रिए लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं और किस हिसाब से, किस तरह से चलते हैं। आपको लोगों की रहनी कहनी, ढंग लोगों का बहुत ही पसंद है गाइस, देखना पसंद है, और वो सब कुछ आप देखते हुए उनसे बहुत कुछ सीखते भी हो गाइस, ओके। और आप किताब भी बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे ट्रैवलिंग के टाइम, ओके, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से भी लोगों को आपसे एक अट्रैक्शन महसूस होता है, ओके। और यहाँ फोर ऑफ कप का कार्ड आया है जो ये बता रहा है गाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल के कॉम्बिनेशन में, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी तरह से निभाते होंगे, ओके। चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या चाहे बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप सही ढंग से निभाते हो, अच्छी, बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हो, ओके। आपके अंदर एक कैरिंग नेचर है गाइस, ओके। इस वजह से आप लोगों की कदर करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, तो लोग ये भी देखते हैं गाइस कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए, लोगों को जानते पहचानते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। ऐसे नहीं कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुखी मन से या फिर एक नहीं पसंद आने वाले एक बोरियत ढंग से निभा दी, ऐसा नहीं है, ओके। आप खुशी खुशी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, वो आपकी फैमिली भी देखती है और आपके फ्रेंड सर्कल भी देखते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग भी देखते हैं, आपके आसपास के रिलेटिव लोग भी देखते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्टिव होते हैं गाइस, ओके, अट्रैक्ट होते हैं गाइस, ओके। और वुमन होल्डिंग का हार्ट ये बता रहा है गाइस कि आप लड़की होगी या फिर फीमेल होगी गाइस, तो बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते होंगे, ओके, ये सच है गाइस। और आप लड़के भी होंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, ओके। आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल होंगे, ओके। और मैंने आपको बताया कि आपकी बालों की स्टाइल हो, आपके कपड़ों की स्टाइल हो, आपको ज्वेलरी की स्टाइल हो, दूसरे लोगों से एकदम डिफरेंट होंगे, अलग तरीके से रहना आपको पसंद है, ओके। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस करते हैं, ओके। और आपके यहाँ हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है गाइस, ओके, जो ये बता रहा है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में, ये आप देख रहे हो गाइस, अटैचमेंट का कार्ड है,
इसका मतलब ये है गाइस कि आपने इमोशंस लाइफ में एक सिचुएशन देखी है गाइस, ओके, और इससे बाहर निकले हो, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल गई और आप इस तरह से रहने लग गए, ओके। पहले आप ऐसे रहते नहीं थे, पहले आप अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे, पहले आपको इतना ज़्यादा इस तरह से ड्रेसअप होना, अपने आप को कैरी करना, अपने आप को संभालना, सेल्फ लव करना, ये सब कुछ आप में नहीं था। लेकिन आपकी लाइफ में एक इमोशनल सिचुएशन आई और उसने आपको पूरी तरह से बदल दिया, ओके। और इस सिचुएशन से आप बहुत कुछ सीखे हो गाइस, ओके। अब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे गाइस, ओके। पहले आप खुद को प्यार करते हो, फिर दूसरे को प्यार करते हो, और जितना खुद को प्यार करते हो उतना ही अपने फैमिली को भी प्यार करते हो। इतना आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावरनेस आ गई है गाइस, ओके। और इस वजह से आप में से कुछ लोग हीलर भी बन चुके हैं गाइस, ओके, जो बहुत सारे लोगों को हील करते हैं अपनी बातों से, अपने वर्क थ्रू से, अपने एक वजूद से, बहुत सारी चीज़ों से। वो लोगों को हील करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने आप आसपास के एटमोसफियर को भी बहुत ही खुशनुमा और खुश बना देते हैं आप, ओके। इस वजह से लोग आकर्षित होते हैं। आप हमेशा खुश रहते हो, चुलबुले रहते हो, एक आपके अंदर मैच्योरिटी भी है और आपके अंदर एक ग्रेस है गाइस, ओके, जो लोग देखते हैं। और आप सभी को हील करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। आपके सामने कितना भी कोई नेगेटिव इंसान क्यों ना आ जाए, आप उनको भी हील कर सकते हो गाइस। इतनी पावर अब आप में आ गई है, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, ओके, मैंने आगे भी बताया, आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आप सभी को अब हील कर सकते हो। और एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अब अपने आप को बहुत प्यार करते हो, अब आप अपने आप की वैल्यू अहमियत बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। इस वजह से आपने अपनी सारी एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस कर दिया है। अब आपको लोगों की कोई भी बात चुभती नहीं है, लोग चाहे आपको कुछ भी क्यों ना कह जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इतना ज़्यादा अपने आप में बैलेंस हो गए हो, ओके। इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं गाइस, ओके। और जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है गाइस, और सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ, कि आप छोटे बड़े सभी को एक ही दर्जा देते हो, सभी की कदर करते हो, सभी की अहमियत आपकी लाइफ में पूरी तरह से है, ओके। और सिक्स ऑफ वांड कार्ड विजेता का कार्ड है गाइस, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने आप बदल दिया है और अब आप रेस्ट एंड रेजुवेशन में आ चुकी हो गाइस। आप अपने आप को भी बैलेंस करते हो, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा हील करते हो, और अब आपकी लाइफ में सफलता ही सफलता है। जो लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, उनके लिए दुनिया में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ पा सकते हैं, ओके। इतना हमें आ गया तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है आपके लिए। तो इस वजह से सभी लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, लोगों का आप की तरफ से अट्रैक्शन फिजिकल भी होता है, सोशली भी होता है, आपकी बातों से भी होता है, आपके बर्ताव से भी होता है, ओके। मतलब सभी तरह से अट्रैक्ट महसूस करते हैं लोग आपसे, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किया है टर्टल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, ओके। पाइल
पायलट जिस किसी ने भी चूज़ की है डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। ओके ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, द हाई प्रेस्टेस। ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप। ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो गाइस, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, इंटेलिजेंट हो। द टावर। ओके फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप। ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, टू ऑफ वंड। ओके यूनिवर्स डिवाइन डिस इट। ओके एंजल ऑफ बैलेंस। ओके स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके जर्नी और लास्ट कार्ड है फोर्थ चक्र, आर्क एंजल राफेल। गाइस ये कार्ड हार्ट चक्र है गाइस। ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस पेशेंस। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, क्लेवर हो। ओके और ये आपका इंटेलिजेंट लोगों को दिखता है गाइस। ओके और जो लोग आपको जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं गाइस। ओके और इसकी वजह है गाइस आप अनजान लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हो। ओके आप गुस्से वाले भी हो, चतुर भी हो, चालाक भी हो। ओके और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही गजब है गाइस। ओके आप अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते रहते हो। ओके और जो लोग आपके पहचानते नहीं हैं गाइस उनके साथ भी आप बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हो। ओके ये आपका एक प्लस पॉइंट है, वो दूसरे लोग बहुत ही कम कर पाते हैं, लेकिन आप अनजान लोगों के साथ भी मजाक मस्ती करने लगते हो, बात करने लग जाते हो, उनके साथ भी तुरंत दोस्ती बना लेते हो। ओके आपके अंदर एक जिज्ञासा है, बहुत कुछ जानने की एक जिजीविसा है। ओके और एक डिग्निटी पावर है, वो लोगों को दिखता है गाइस। ओके इस वजह से लोग आकर्षित होते हैं। आप अपने लुक में गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो या फिर ब्यूटीफुल हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ओके आपकी अपनी एक अलग लुकिंग साइट है गाइस। ओके इसको मैं स्टाइलिश नहीं कहूँगी। ओके लेकिन आपका एक अलग रहने का, एक अलग लुक वाइज अलग रहने का एक ढंग है गाइस। ओके जो लोगों को दिखता है आपका अपना एक सोबर लुक है, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं हो, लेकिन जो भी आप ड्रेसअप करते हो वो लोगों से डिफरेंट होता है। ओके और लोग आपकी तरह बनने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से ड्रेसअप करते हो अपने आप को गाइस। ओके बहुत सारे लोग आकर्षित होते होंगे गाइस आपको देखकर। ओके और आप के दुश्मन के सामने आप दुश्मनी करना भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। द टावर और डिसिट का कार्ड ये बता रहे गाइस कि किसी भी इंसान ने किसी भी साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपका कोई अनजान इंसान हो आपके सामने, चाहे आपका रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उस किसी ने आपके साथ धोखेबाजी की, चीट किया
आपको चीट किया या फिर आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, तो आप उनकी क्लास लेना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। ओके, आपके साथ दुश्मनी उनको बहुत भारी पड़ सकती है। आप इस तरह के इंसान हो। ओके, आपको जवाब देना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। आप बहुत ही तुरंत डिसीज़न लेते हो। ओके, तुरंत एक्शन लेने में मानते हो। किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो तुरंत आप एक्शन लेकर जो बात जहाँ है वहाँ से ही तुरंत ख़त्म करने वाले एक इंसान हो आप। ओके, आप उस बात को खींचना पसंद नहीं करते हो। जिस वक्त जो हुआ उसके लिए एक्शन लेना आपको भली भांति अच्छी तरह से आता है, और ये बात आपके रिलेटिव को भी पसंद पता होगी गाइस। आपके वर्क प्लेस के लोग, रिश्तेदार, या फिर आपके कलीग, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, इन सबको आपके बारे में ये आपकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह से पता है गाइस। ओके, आपकी फैमिली को लेकर भी कोई बोलने आ गया तो आप उनको भी नहीं छोड़ोगे, यहाँ साफ साफ दिखता है। ओके, आपकी फैमिली को आप बहुत ही पसंद हो। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। आप बेझिझक लोगों के साथ बात करना पसंद करते हो। ओके, आप तुरंत एक्शन लेना पसंद करते हो, वो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं गाइस। ओके, डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते या फिर पीछे हट कर जाते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप तुरंत कुछ भी, जो सामने वाले इंसान ने आपको ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की या फिर कुछ भी बोलने की कोशिश की जो आपकी गलती है ही नहीं, तो आप अपनी तरफ से एक्शन तुरंत उनके लिए लेते हो, और ये बात आपके दोस्तों को भी बहुत ही पसंद है गाइस। ओके, इस वजह से आपके दोस्त भी आपके साथ रहना पसंद करते होंगे। ओके, और आपके रिलेटिव को आपके बारे में ये बहुत ही अच्छी तरह से पता है, इस वजह से वो आपकी फैमिली में टांग अड़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें नहीं छोड़ेगा। ओके, आपके अंदर एक खुमारी है, एक जुनून है, कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का। नाइट ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी है गाइस। ओके, आप डिसीज़न भी बहुत ही जल्दी लेते होंगे, लेकिन आप इमोशंस की बात आए तो आप थोड़े इमेच्योर हो जाते हैं, मतलब आप साई स्वभाव के होंगे गाइस। ओके, शर्मिले होंगे, इस वजह से आपको इमोशंस के डिसीज़न लेने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। और आपकी लव लाइफ में, आपको मैं बता दूं गाइस कि यहाँ ये रीडिंग लव लाइफ को लेकर नहीं है, लेकिन आपके जो इस तरह का नेचर है और आप इमोशनली अपने आप को क्लैरिफाई कभी कभी नहीं कर पाती हो और दिक्कत होती है आपको। ओके, तो इसके लिए यहाँ आंसर आ रहा है गाइस कि आपके पार्टनर जो होंगे गाइस, डिवाइन ने आपकी जोड़ी को बनाया होगा गाइस। ओके, इस वजह से आपकी पार्टनर जो होगी वो आपको संभाल लेगी इमोशंस में। ओके, क्योंकि आपको इमोशंस की बात आ जाए तो आप थोड़े इधर उधर हो जाते हो, घबरा जाते हो, और मैंने आपको बताया कि आप साई स्वभाव के हो, शर्मीले हो, तो आपको वक्त लगता है किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होने में। ओके, और ये बात तो आपके फ्रेंड को भी पता ही होगी गाइस। ओके, तो लोग आपके साथ, और मैं आपको बता दूं गाइस कि आप मेल हो तो बहुत ज़्यादा लड़के आपको पसंद करती होंगी, और आप लड़की है तो बहुत सारे लड़के आपको पसंद करते होंगे, लेकिन जब कोई लड़का या लड़की आपके सामने आते होंगे तब आप कुछ नहीं बोल पाते होंगे। ओके, सभी के साथ बहुत ही एकदम एक खुमारी के साथ बात करने वाला इंसान अपने ऑपोजिट मेल या फीमेल के साथ
डरे डरे से सहमे से बात करेंगे आप, ओके। आपकी थोड़ी ऐसी पर्सनालिटी है, आपका एक नेचर ही है गाइस, ओके। जब कोई लड़का या लड़की आपको पसंद करते हुए आपके सामने आ जाए तो आप उनसे तुरंत दूर हो जाओगे गाइस, ओके। और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है गाइस, इस वजह से आप बहुत ही जल्दी फास्ट डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ही अच्छी तरह से सुन पाते हो, ओके। और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, इस वजह से आप अपनी इंट्यूशन पावर को तुरंत कैचअप कर लेते हो, ओके। और इस वजह से आपके सारे ही डिसीज़न सही होते हैं, और आप जो कुछ भी करते हो उसमें आपको सक्सेस ही मिलती है। अब इतने सारे आपकी क्वालिटी है तो लोग क्यों ना आपसे अट्रैक्ट होंगे गाइस, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे। आप यंग होंगे तो आप लड़का लड़की आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन आपको इसमें से कोई पसंद नहीं है, आप अपनी लाइफ पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, ओके। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं गाइस, उनको मैं बता दूं गाइस कि ये जो आपकी एक क्वालिटी है गाइस, आपके अंदर ये इतने अच्छी अच्छी जो एक क्वालिटी है वो लोगों को बहुत ही पसंद आती है, ओके। उम्र के साथ हमारे फिजिकल एक बॉडी में कितना भी चेंज आ जाए गाइस, लेकिन हमारी आवाज़ वैसे की वैसी ही रहती है, ये शायद आपको पता हो या नहीं भी पता हो, लेकिन आवाज़ वैसे की वैसी ही होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे गाइस, ओके। और आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप किसी भी उम्र के हो, आपकी अभी भी रहने की स्टाइल, आपके ड्रेसअप होने की स्टाइल दूसरे लोगों से अलग है, आपका एक सोबर लुक लोगों को बहुत ही पसंद आता है, इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप थोड़े गुस्से वाले हो, ओके। और इस वजह से गाइस आपका गुस्सा भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप गुस्सा ऐसे नहीं करते हो, आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है तब आप गुस्सा होते हो, ओके। और आप जब गुस्सा होते हो तब भी आपकी पर्सनालिटी में एक रौनक आती है, ओके। आपकी एक बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी बाहर सामने आती है, लोगों के सामने आती है, तो तभी भी बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते होंगे गाइस, ओके। क्योंकि आप खुद गलती करते हुए किसी को नहीं बोलते हो, मतलब आप कोई गलती करते नहीं हो, लेकिन सामने वाले इंसान ने कुछ गलती की हो तब भी आप गुस्सा होते हो, ओके। तो आपका गुस्सा भी कभी कभी लोगों की शान बन जाता है, मतलब कि लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ओके। और लोग देखते रह जाते हैं, और आपके अंदर मोस्ट एक टैलेंटेड क्वालिटी है पेशेंस। यहाँ मैंने आपको बताया नाइट ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ओके। लेकिन आप सोच समझ कर आगे भी बढ़ते हो गाइस, ओके। फास्ट है इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी करते हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ है गाइस कि आप तुरंत सडनली डिसीज़न ले पाते हो, और वो भी पेशेंस के साथ, और ये क्वालिटी बहुत ही कम लोगों में होती है, ओके। तो इस वजह से भी आपके वर्क प्लेस के लोग बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करते होंगे, क्योंकि आपका डिसीज़न पावर ग्रेट है गाइस, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थे चूज़ किए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये दो पाइल में ही बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो गया गाइस, ओके। तो पाइल थ्री के लिए हम सेकंड वीडियो में मिलते हैं, ओके गाइस। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।